एनिमल्स। आज हम चैप्टर 2 करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर में हम ये डिफरेंट तरीके के पॉइंट्स टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, स्टेप्स इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन एंड न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिना लेट किए। पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमने पहले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और वो अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स जो होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं। क्या मतलब? कि एनिमल्स जो हैं वो या तो प्लांट पे डिपेंड होंगे या फिर किसी दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होंगे, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम? हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स जो एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर? प्लांट पर। कैसे? ये हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्लांट जो है वो हमें पता है कि वो ऑटोट्रॉप्स है, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। प्लांट को कौन खाता है? जो हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे कि ज़ेब्रा हो गया, जैसे ज़िगोट हो गया, जैसे डियर हो गया, ये किस पर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। और ये जो एनिमल्स होते हैं हर्बीवोर्स, उनको कौन इनटेक करता है, कौन खाता है? उनको खाते हैं कार्निवोर्स। यानी कि कार्निवोर्स डिपेंड होते हैं किस पर? हर्बीवोर्स पर। हर्बीवोर्स डिपेंड होते हैं किस पर? प्लांट्स पर। तो यानी कि ये जो चेन है प्रॉपर तरीके से, इससे हमें ये हम ये समझ रहे हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। और जो एनिमल्स हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बना रहे, यानी कि वो खाना किसी दूसरे से ले रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स से ले रहे हैं चाहे वो प्लांट्स से ले रहे हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉप्स। दैट मीन्स कि द एनिमल्स दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन द अदर्स, सो दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। और ये जो हेटरोट्रॉप्स हैं होते हैं एनिमल्स, हम भी हेटरोट्रॉप्स हैं। ये जो हेटरोट्रॉप्स एनिमल्स होते हैं, इस तरीके के जो न्यूट्रिशन लेते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको क्या बोलते हैं हम? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं इसे हम, या फिर हम इसे हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये भी एक तरीके का है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब जो होते हैं, जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो क्लासिफाई होते हैं, मतलब डिवाइडेड होते हैं कुछ कैटेगरीज में, जैसे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स जो सिर्फ क्या खाते हैं? जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे ज़ेब्रा हो गया, डियर हो गया, ये सब कौन है? हर्बीवोर्स हैं। कार्निवोर्स कौन है? जो फ्लैश पे डिपेंड होते हैं, जैसे लायन, टाइगर, ये डिपेंड होते हैं किस पे? फ्लैश पे। और ओमनीवोर्स जो होते हैं वो दोनों पे डिपेंड होते हैं, यानी कि वो प्लांट्स भी खा सकते हैं और वो फ्लैश भी खाते हैं, मीट वगैरह भी खाते हैं। तो जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो क्या होते हैं? हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स होते हैं। जो बबियर होते हैं वो भी ओमनीवोर्स होते हैं। जो मंकी होते हैं वो भी ओमनीवोर्स होते हैं। यानी कि ओमनीवोर्स उस तरीके की कैटेगरी है जो फ्लैश भी खाती है और जो प्लांट्स भी खाती है। ओके स्टूडेंट्स, ये टाइप हो गए आपके हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एनिमल्स में वो 3 स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है। कौन कौन से? न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स और मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड और इट्स यूटिलाइजेशन ऑन द बॉडी। पहला जो है वो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स। वी हैव स्टडीड इन क्लास 6 कि हमारे जो बॉडी को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हमने पढ़ा था क्लास 6 में कि हमारे बॉडी को 6 न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहला, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज। ये 6 जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी को चाहिए किसी भी फॉर्म में। इससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ये जो एनिमल्स में ये 6 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं विच इज नीडेड फॉर द बॉडी फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आपका मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ कि जो जितने भी एनिमल्स हैं उनका मोड ऑफ इनटेक, मतलब खाना खाने की, खाना अंदर लेने की तरीके, वो बहुत ही डिफरेंट है। हमें पता है कि पूरे पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में अलग अलग तरीके के एनिमल्स प्रेजेंट हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके के तरीके से खाते हैं, कुछ एनिमल्स दूसरे तरीके से खाते हैं। हमारा खाने का तरीका है कि हम कुक करके माउथ के थ्रू खाते हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके के खाते हैं, जैसे कि स्नेक जो हो गया वो स्वैलो कर लेता है,
और जैसे स्टारफिश हो गई, उसके खाने का तरीका दूसरा है। हमिंग बर्ड और बीज के खाने का तरीका दूसरा है, वो नेक्टर्स लेते हैं फ्लावर से। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि बीज और जो हमिंग बर्ड्स हैं वो कैसे खाना खाते हैं, कैसे उनका मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड है, वो नेक्टर जो फूलों में जो रस होता है वो उनको सक करके उनका फूड है वो। इन्फेंट्स जो होते हैं, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, जो ह्यूमन और कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बेबीज होते हैं, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर मदर्स मिल्क, वो मदर मिल्क से अब डिपेंडेंट होते हैं। फिर होता है जैसे स्नेक्स जो होते हैं, जैसे लाइक पाइथन, वो जो कुछ एनिमल्स को क्या करते हैं, स्वैलो कर लेते हैं, निगलते हैं वो। एक्वेटिक एनिमल्स, जो पानी में रहने वाले कुछ एनिमल्स हैं, तो क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं पानी में, वो उनको फिल्टर करके उनसे अपना खाना लेते हैं। दूसरा है अमीबा। अमीबा किस तरीके से यूज करता है, अमीबा जो है सीरोपोड्स, यानी कि अपने फॉल्स फीट को, अमीबा जो है बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है, ये इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे हल्का सा ओवरव्यू दे रही हूँ। वो अपने फॉल्स फीट को बढ़ाता है जब भी कोई पार्टिकल्स देखता है और उसको एंगल्फ करता है अपनी बॉडी के अंदर, ये हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक हमारे इस चैप्टर में है भी। दूसरा है आपका स्पाइडर। स्पाइडर क्या करता है, स्पाइडर तो हमने देखा है मकड़ी जो होती है वो वीव्स एक जाल सा बनाती है अराउंड इट्स प्रे, जो भी उसका शिकार है, जो उसका प्रे है, उसको उसके सामने एक जाल सा बनाती है और उसको क्या करती है, पकड़ लेती है, फिर उसके थ्रू वो खाने को इनटेक करती है। दूसरा है आपका फ्रॉग। फ्रॉग क्या करता है, उसकी जो टंग होती है काफ़ी स्टिकी होती है, जिससे वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को कैच करता है। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनका मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड डिफरेंट है, जैसे एंट हो गया। एंट जो है वो फूड लेता है शुगर के फॉर्म में या फूड पार्टिकल्स के फॉर्म में, और उसका जो तरीका जो है खाने का वो है च्यूइंग और स्क्रैपिंग। दूसरा है ईगल। ईगल कैसे लेता है, उसका जो मोड ऑफ जो उसका फूड है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो कैसे लेता है, कैप्चर करता है और स्वैलो कर लेता है। दूसरा हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड कैसे, कौन सा खाना खाता है, वो हमिंग बर्ड जो होता है वो नेक्टर को खाता है, फूलों के रस को खाता है, और मोड ऑफ टेकिंग फूड सकलिंग। सिमिलरली लाइज जो है और मॉस्किटो, दोनों जो है, लाइज जो बालों में पड़ जाती हैं और मॉस्किटो मच्छर, ये दोनों जो है ब्लड को सक करते हैं, और मोड ऑफ टेकिंग फूड क्या है, सकलिंग। ऐसी बटरफ्लाई जो है वो नेक्टर लेती है, और मोड ऑफ टेकिंग फूड जो है उसका सिफोनिंग है। हाउसफ्लाई का भी सेम है, वो वेस्ट और लिक्विड पे से फूड लेते हैं, और मोड ऑफ इनटेक फूड क्या है, सिफोनिंग है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं आपको एक शेयर करने वाली हूँ, जो है स्टारफिश के बारे में। स्टारफिश जो है वो जितने भी जो एनिमल्स जो जिनके ऊपर हार्ड शेल लगा रहता है पानी में, वो स्टारफिश क्या करता है, जब वो जो एनिमल होता है वो अपने हार्ड शेल के कवर से बाहर निकलता है, क्योंकि आपको हमें पता है स्नेल वगैरह के जो शेल होते हैं उसके अंदर बहुत ही सॉफ्ट एनिमल होता है, तो उस सॉफ्ट एनिमल को पकड़ने के लिए वो क्या करता है, स्टारफिश अपने स्टमक को माउथ से बाहर निकालता है, पॉप्स आउट करता है अपने माउथ से स्टमक को, और स्टमक से वो उसको जो सॉफ्ट एनिमल होता है वो उसको पकड़ के अंदर ले लेता है वापस अपने माउथ से उसको अपने बॉडी के अंदर ले लेता है, और फिर डाइजेशन उसका स्टार्ट होता है। ये डिफरेंट तरीके के मोड्स हैं जिनके थ्रू जो है अलग अलग तरीके के एनिमल्स किस तरीके से खाते हैं खाना, वो मैंने आप लोगों को बताया। अब ये आता है हमारा सेकंड पॉइंट, जो है स्टेप्स इन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के डिफरेंट टाइप के स्टेप्स हैं। जो भी हमने खाना खाया, हम अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, कैसा कैसा खाना खाते हैं, हम पिज़्ज़ा खाते हैं, हम दाल राइस खाते हैं, हम चपाती खाते हैं, हम ब्रेड खाते हैं, एग्स खाते हैं, मिल्क लेते हैं, और भी डिफरेंट तरीके के फूड्स खाते हैं, जो जो हमें पसंद है वो हम खाते हैं, तो वो जो फूड है वो उनमें कुछ कुछ अमाउंट के जो है न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। किसी में प्रोटीन होता है ज़्यादा, किसी में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जैसे कि राइस में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, चपाती में प्रोटीन होता है, मिल्क बैलेंस होता है, उसमें कई सारे सब तरीके के न्यूट्रिएंट्स थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इस तरीके से जो फूड है, जो भी हम लेते हैं अलग अलग फॉर्म में, उन सब में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है। तो हमारी बॉडी जो है उसको किस तरीके से डाइजेस्ट करेगी, उसके कई सारे स्टेप्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। एनिमल्स जो है उनका जो न्यूट्रिशन है वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, और
होलोजोइक न्यूट्रिशन उनको कहते हैं, जो भी एनिमल्स जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में मैंने अभी आपको बताया था कि इनटेक ऑफ सॉलिड मटेरियल इनसाइड देयर बॉडी, दोज एनिमल्स अंडरगोज इन द प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। वो जो एनिमल्स होते हैं वो उनका जो न्यूट्रिशन होता है वो टाइप होता है कौन सा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब जो उसके स्टेप्स होते हैं वो होते हैं सिर्फ 5। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, आगे आपकी क्लासेस में भी ये काम आएंगे। स्टेप्स इन न्यूट्रिशन में पहला स्टेप है इंजेशन, इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं IDAAE। कैसे याद कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हैं IDAAE। फर्स्ट क्या हो गया इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज इजेशन। देखो इंजेशन क्या मतलब होता है, खाने को अंदर लेना, जो भी हमारे सामने परोसा जाए हम उसको क्या करते हैं, खाना खा लेते हैं। वो हमने क्या किया, खाने को इंजेस्ट किया, माउथ से हमने खाने को क्या लिया, अंदर लिया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंजेशन। प्रोसेस ऑफ इंटेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज नोन एज इंजेशन। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद स्टार्ट होगा डाइजेशन। ये पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे थोड़े और विस्तार से, पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू बता रही हूँ। डाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन। जो भी हमने खाना खाया वो सॉलिड सब्सटेंस, मैंने अभी आपको बताया था, जो भी हमने खाना खाया वो हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाया। हमने अगर चपाती खाई, दाल खाया, चावल खाया, तो हमने क्या खाया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, क्योंकि उसमें जो तीन एलिमेंट्स जो है ना न्यूट्रिएंट्स में, एक कार्बोहाइड्रेट्स, एक प्रोटीन और एक फैट्स, ये तीनों बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं जो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होते। तो वो जो है आपके द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड इन द स्मॉलर सब्सटेंसेस, सॉल्युबल सब्सटेंसेस में जब टूट जाते हैं छोटे छोटे फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन। सपोज जब हमारा फूड जो है डाइजेस्ट हो गया है हमारी बॉडी में, तो एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि हमारी बॉडी ने जो फूड डाइजेस्ट कर लिया है वो फूड पूरी बॉडी में जाएगा, तभी तो हमको एनर्जी मिलेगी। द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एसिमिलेशन, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ। जो प्रोसेस जो है ये वाला प्रोसेस एसिमिलेशन का, इससे जो भी फूड एब्जॉर्ब हुआ है, डाइजेस्टेड फूड जो एब्जॉर्ब हुआ है, ये पूरी बॉडी में एसिमिलेट होगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, एनर्जी और ग्रोथ। नेक्स्ट है आपका इजेशन, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फूड डाइजेस्ट हो गया वो पूरी बॉडी में रोटेट हो गया, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसका यूज नहीं है। तो यही 5 स्टेप्स जो है वो हम न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं। फ्लो डायग्राम के थ्रू हम इस स्टेप्स इन न्यूट्रिशन को फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं, ये बहुत ही ईजी हो जाएगा और आप लोगों के लिए लर्न करने में भी बहुत आसानी रहेगी। पहला जो स्टेप है वो है इंजेशन। इंजेशन में अभी बताया था आप लोगों को कि इंजेशन जो है वो क्या है, इनटेक ऑफ फूड, किस तरीके से हम खाने को इनटेक कर रहे हैं। दूसरा है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या, कि जो भी हम खा रहे हैं, जो भी एनिमल्स खा रहे हैं, वो क्या है, किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू विच फॉर्म, सिंपलर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन। हमने जब फूड ले लिया, वो डाइजेस्ट हो गया, तो फूड क्या होगा, अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद जो फोर्थ स्टेप है उसमें क्या होगा, फूड एसिमिलेट होगा पूरी बॉडी में फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, इसी से तो हमें एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा लास्ट वाला पॉइंट जो है इजेशन। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होता है, वो रेजिड्यू के होने से वो इजेस्ट हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। तो ये लास्ट हमारा जो हो गया वो क्या है, इजेशन। ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के, जो हर टाइप के ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के टाइप की न्यूट्रिशन को जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि अमीबा होता क्या है एग्जैक्टली।
तो अमीबा जो है वो क्या है, एक बहुत ही स्मॉल टाइप का ऑर्गेनिज्म है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिज्म है दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। किससे बने हुए हैं, वो सेल्स से बने हुए हैं। तो कुछ सिंगुलर सेल्स भी होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं। तो जो आपका अमीबा है वो क्या है, अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। जो अमीबा है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल सिंगल सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो हम बिना माइक्रोस्कोप के उसे हम नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्या है, जो अमीबा जो है उसमें सीरोपोडिया होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो फूड को कैप्चर करने के लिए काम आते हैं। दूसरा, अमीबा जो है वो उसके जो ये जो डायग्राम है, ये अमीबा है, इसके जो चारों तरफ जो है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है और उसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और इसमें बबल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे, ये सारे क्या कहलाते हैं, फूड वैक्यूल्स कहलाते हैं। और ये कॉन्स्टेंटली अपना जो शेप है वो उसको चेंज करते रहता है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से अमीबा है जो न्यूट्रिशन लेता है। उसके जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो हैं आपके, अमीबा क्या करता है, पुश करता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को। देखो आप फर्स्ट स्टेप में आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि अमीबा है, न्यूक्लियस है और ये सारे क्या है, फूड वैक्यूल्स हैं। और इसमें जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो ये क्या है, ये एक फूड पार्टिकल है जो अमीबा इसको लेना चाहेगा, ठीक है, ये उसके लिए फूड पार्टिकल है। तो अमीबा क्या करता है कि धीरे धीरे करके जैसी फूड पार्टिकल के वो पास आता है तो वो एक सीरोपीडियास, जो फॉल्स फीट बोलते हैं इसे हम, सीरोपोडिया, ये पी से स्टार्ट होता है लेकिन इसको हम जो प्रोनाउंस करते हैं वो करते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट जो होता है, यानी कि झूठे पैर। ये सिर्फ फूड प्रे को अपने पास अट्रैक्ट करके अंदर लेने के लिए वो बनता है। तो इसमें क्या हुआ, आपका जो सीडोपोडिया बना उसने क्या किया, फूड को एंगल्फ किया। तो अमीबा पुशेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच इज कॉल्ड सीडोपोडिया। ये क्या कहलाता है, सीडोपोडिया। इट एंगल्फ द फूड एंड गेट स्टोर्ड इन द फूड वैक्यूल। अमीबा ने क्या किया, फूड पार्टिकल को अपने अंदर एंगल्फ किया विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया और फूड वैक्यूल ने उसको अपने अंदर स्टोर कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो होगा, ये तो इंजेस्ट हो गया, इंजेस्ट मतलब एंगल्फ ऑफ फूड। डाइजेशन में क्या होता है कि डाइजेशन का मतलब कि फूड को अब जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, जैसा कि अभी बताया था मैंने, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को किस में ब्रेक डाउन होना है, सिंपलर सब्सटेंसेस को। तो जो फूड है, फूड पार्टिकल जो है वो कहाँ आ गया था, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या फूड वैक्यूल में आ गया था। फूड वैक्यूल में आने पर क्या होता है कि जो फूड वैक्यूल से कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जूसेस रिलीज होते हैं विच हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड विच इज प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल। वैक्यूल सीक्रेट्स सम डाइजेस्टिव जूसेस इनसाइड द वैक्यूल्स दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन। इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या है कि डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो फूड यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ वो एब्जॉर्ब होगा अब पूरी बॉडी के थ्रू, ठीक है। ये क्या हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज हुए और फूड क्या हुआ, अब एब्जॉर्ब हो गया, यानी कि वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट गया है, अब पूरी बॉडी उससे उसको इनटेक करेगी, उसे एनर्जी लेगी। एब्जॉर्ब हो गया बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद वो पूरी बॉडी में मिक्सअप हो जाएगा, उसको कहते हैं हम एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के थ्रू जो बॉडी है, अमीबा की जो बॉडी है वो बहुत डिफरेंट तरीके के प्रोसीजर में जाएगी, जैसे वो ग्रोथ करती है, मल्टीप्लाई करती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को, एनर्जी। तो इससे उसको क्या मिलती है, एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ अमीबा। एसिमिलेशन के बाद जो भी अमीबा का लेफ्ट रेजिड्यू बचेगा, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा, दैट हैज टू बी एक्सक्रीटेड आउट। तो द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाई वैक्यूल। जो अनडाइजेस्टेड फूड था यहाँ पर वो क्या हुआ, इजेस्ट हो गया, यानी कि बाहर निकल गया, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इजेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, ये जो है प्रोसेस अमीबा का पढ़ा आपने, न्यूट्रिशन इन अमीबा। सेम स्टेप्स फॉलो होंगे जो स्टेप्स इन न्यूट्रिशन के हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये जो दो पार्ट्स हैं, ये इंजेशन, देन इट्स डाइजेशन,
थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड द फिफ्थ वन इज इजेशन. दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा.